हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं TVS की XL 100 हैवी ड्यूटी। ये इसकी चाबी है एंड ये हमारी लोकेशन है आज की। मुझे ये लोकेशन थोड़ी प्यारी लगी तो मैंने सोचा कि यहीं पे लाके इसका रिव्यू कर लेते हैं। 89 किलो की ये मोटरसाइकिल है, 130 किलो इसका पेलोड है जो आप इस पर कैरी कर सकते हो। 5 वेरियंट आपको मिलते हैं, स्टार्टिंग प्राइस है 45,000 एंड इसका जो टॉप एंड वेरिएंट है उसका आपको पे करना पड़ेगा 54,000 रुपीज़। ये एक शोरूम प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं हैदराबाद का। अब बात करते हैं कि ये जो मोटरसाइकिल है इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो आपको बता दूं कि सामने आपको हेलोजन इंडिकेटर मिलते हैं, लाइट मिलती है हेलोजन, यहाँ पे DRLs आपको दिए गए हैं, सामने आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, थोड़ी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे आपको कवर भी मिलता है, रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं दोनों ही तरफ नाइट में अगर आप राइड करते हो, सामने आपको 16 इंच के ट्यूब वाले टायर दिए गए हैं, TVS का ही है एंड ये ड्यूरा ग्रिप टायर है एंड कंपनी ऐसा बोलती है कि ये वाला जो टायर है ये पंचर रेसिस्टेंट है तो ज़्यादा पंचर होने का भी आपको कुछ दिक्कत और टेंशन नहीं रहेगी। एंड सिस्टम कंट्रोल की बात करें तो ऐसा एनालॉग आपको सिस्टम कंट्रोल मिलता है, इंडिकेटर की लाइट यहाँ पे दी गई है, हाई बीम आप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे इंडिकेशन आपको मिल जाएगा, ये फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है तो यहाँ पे आपको अगर कुछ इश्यू आता है तो ये लाइट जल जाएगी, यहाँ पे स्पीड दी गई है, स्पीड 80 बता रही है लेकिन ये 60 तक चली जाती है एंड यहाँ पे ऑडोमीटर की रीडिंग कितना आपने इसको चलाया वो दिया गया है एंड रिजर्व जो है उसकी वार्निंग यहाँ पे आपको मिलेगी 1.25 लीटर जब पेट्रोल आपकी इस बाइक में रहता है तो वो टाइम पे ये लाइट है ना वो जल जाएगी। फिट एंड फिनिश की बात करें स्विचेस वगैरह की तो काफ़ी अच्छी लगी, जिस हिसाब से इसको मार्केट में प्राइस किया गया है जितना पैसा आप पे करते हो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छी है क्वालिटी स्विचेस वगैरह की, मिरर्स वगैरह की भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जहाँ पे आपको टर्न करना है जैसा आपको टर्न करना है वैसा आप कर सकते हैं, ब्रेक लीवर्स की क्वालिटी भी ठीक है एंड जो हैंडल बार है वो स्ट्रेट आप देख सकते हैं, थोड़ा सा राइडर की तरफ है बट आप अगर ज़्यादा क्राउड में चलाते हो ट्रैफिक में चलाते हो तो ये परफेक्ट आपके लिए, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। वैसे आपको बता दूं कि मैं इसको पिछले 15 दिन से चला रहा हूँ, एक पहले भी मैंने इसका वीडियो बनाया है तो 15 दिन का एक्सपीरियंस मेरे पास है इसको चलाने का। 4 लीटर का आपको पेट्रोल टैंक मिलता है, 1.25 लीटर इसमें आपको रिजर्व मिलता है एंड ये जो चाबी है यहाँ पे आप लगा के इसको ओपन कर सकते हो, ये आप ऐसे घुमा नहीं पाओगे अगर आप चाबी नहीं लगाओगे तो ये लॉक किया गया है। TVS का नाम यहाँ पे लिखा गया है, XL 100 हैवी ड्यूटी यहाँ पे लिखा गया है एंड इसका जो इंजन है ये है फ्यूल इंजेक्टेड ETFI इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन, ये TVS की तरफ से जो टेक्नोलॉजी है वो आपको इनकी दूसरी बाइक्स में भी देखने को मिलती है। इंजन की बात करें तो ये 99.7 cc का 4-स्ट्रोक इंजन है एंड इसका पावर आउटपुट है 4.3 PS का एंड टॉर्क है वो है 6.5 Nm का, टॉर्क इसमें ज़्यादा है। टॉर्क का मतलब यह है कि भाई आप कितना सामान रख के कितना जल्दी से इसको पुल कर सकते हो, ज़्यादा खींचने की ताकत को टॉर्क बोलते हैं। सेल्फ स्टार्ट आपको मिलता है, यह है आई टच स्टार्ट एंड आपको इसमें किक भी मिलता है, एग्जॉस्ट के ऊपर आपको क्रोम की हीट शील्ड मैं कह सकता हूँ दी गई है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के फुटपैक्स दिए गए हैं, हालांकि इसको आप फोल्ड नहीं कर सकते ये एकदम से फिक्स है एंड इंजन आपको एक बार थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ ऐसा कुछ दिखता है। यहाँ से थोड़े से वायर्स वगैरह यहाँ पे एक्सपोज्ड है जो मुझे लगता है कि छुपाए जा सकते थे, पीछे आपको फुटपैक मिलता है बड़ा सा, अगर आपको स्पेशली लेडीज़ पिलियन राइडर के साथ आपको बैठ के जाना है तो ये काफ़ी मददगार साबित होगा। पीछे आपको स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन मिलता है एंड आपको एक चीज़ बताऊँ, ये वाली जो गाड़ी है ना चलने में थोड़ी सी सस्पेंशन स्टिफ फील कराती है बट वो इसलिए बिकॉज ये मेनली बनी होती है ज़्यादा वेट वगैरह ले जाने के लिए एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रैब रेल आपको दिया गया है। पीछे जो टायर है वो सेम आपको साइज़ का मिलता है, TVS का टायर है, ट्यूब वाला टायर है, स्पोक व्हील्स आपको दिए गए हैं, सामने और पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलता है 110 mm का, पीछे आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है, यहाँ पे आप अपनी नंबर प्लेट लगा सकते हैं बाइक की, पीछे आपको नॉर्मल एक टेल लाइट दी गई है हेलोजन टेल लाइट। ये वाला जो ग्रैब रेल है ये काफ़ी बड़ा दिया गया है, अगर आप कुछ सामान वगैरह भी बांधना चाहो, अगर यहाँ पे आपको स्पेस कम दिख रहा है तो यहाँ पे भी आप रख सकते हैं। ये वाली सीट है ना इसको आप खोल सकते हैं, यहाँ से चाबी लगा के आप इसको हटा सकते हैं और फिर कितना आपको सामान रखना है यहाँ पे आप रख सकते हैं एंड बांधने के लिए देखो यहाँ पे आपको अगर रस्सी वगैरह कुछ बांधना है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ये साइड में आपको लेडीज जो साड़ी गार्ड है वो दिया गया है, चेन जो है एकदम से कंप्लीट क्लोज्ड है एंड मिडिल स्टैंड मिलता है, साइड स्टैंड तो ऑब्वियसली आपको मिलेगा, साइड स्टैंड में आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर मिलता है,
एक इसमें आपको लीन सेंसर भी मिलता है, अगर आप गाड़ी को गिरा देते हैं तो 3 सेकंड में ही अपने आप बंद हो जाएगी फॉर द सेफ्टी रीजंस। तो अगर आप अनफॉर्चुनेटली कभी गिर जाते हो तो ये गाड़ी अपने आप बंद हो जाएगी। सीट की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी मुझे लगी, एंड सीट काफ़ी लंबी भी है, आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया इसका एक और वेरिएंट है कंफर्ट, उसके अंदर आपको और अच्छी सीट मिलती है, बट ये ड्यूल टोन में आपको सीट दी गई है एंड दो लोग आराम से बैठ के इस पे जा सकते हैं। और मैंने बहुत चलाया इसको दो लोगों को साथ में बिठा के, मतलब मैं और एक पीछे दूसरा बंदा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आई टच स्टार्ट। आई टच स्टार्ट का मतलब ये है कि आपको सिर्फ चाबी लगानी है, इसको सिर्फ एक बार दबाना है, ब्रेक दबाना पड़ेगा। एक बार बंद करके आपको दिखा देता हूँ, ब्रेक दबाओ, सिर्फ इसको टच करो, साइलेंट स्टार्ट ये करेगी, आपको इसको दबा के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपको मैं एग्जॉस्ट का साउंड भी सुना देता हूँ। तो एग्जॉस्ट का जो साउंड है वो बाइक के जैसा आता है, एक नॉर्मल जो स्कूटर वगैरह होता है उनका थोड़ा साउंड डिफरेंट रहता है, लेकिन इसका जो साउंड है एग्जॉस्ट का वो बाइक के जैसा ही आता है। अब हम इसको लेके चलते हैं राइड पे, एंड चलने के टाइम पे आपसे बात करेंगे कि ये चलने में कैसा फील आपको देती है एंड कितनी फास्ट ये भाग सकती है। वैसे आपको बता दूँ ये भगाने के लिए नहीं है, ये ज़्यादा यूज़ होती है प्रैक्टिकली आपको बताऊँ तो कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे खड़े खड़े, इसको हम राइड पे लेके चलते हैं। कितना ईजी है इसको सेंटर स्टैंड से उतारना, एंड भाई वेट इतना कम है कि आप इसको खड़े खड़े व्हीली मार सकते हैं। ये देखो ऐसे उठा के रख सकते हैं, अगर आप कहीं ट्रैफिक में घुस गए, आपको एकदम एक्सट्रीम राइट में जगह मिलती है वो टाइम पे आप उठा के इसको रख सकते हैं। चाबी हो गई स्टार्ट, ब्रेक दबाते हैं, इसको एक बार प्रेस करते हैं और ये हो गई स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं इंजन के बारे में। तो अभी आपने देखा कि 0 से लेकर 20 तक ये थोड़ा सा टाइम लेती है, 20 से लेकर 50-55 तक ये गोली बन जाती है, बहुत ही अच्छा ये पुल आपको देती है। तो इसका मतलब ये है कि इनिशियल जो पिकअप है थोड़ा सा आपको लैग करता है 0 से लेकर 20 तक, और वो भी उतना कम नहीं है कि आपको चलाने में कुछ दिक्कत हो। यहाँ पे मैं वांटेडली लेके आया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर उबड़ खाबड़ रास्ते पे भी आप चलाते हो तो आप इसको आराम से चला सकते हो। ये पंचर रेसिस्टेंट टायर के साथ आती है, इसका मतलब ये है कि आपको ज़्यादा पंचर की टेंशन नहीं रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि पंचर होगा नहीं, आपको भी थोड़ा देख के चलाना पड़ेगा, इट्स ए नॉर्मल टायर और TVS के खुद के ही टायर हैं। तो चलने में काफ़ी अच्छी है, 20 से लेकर 50-55 तक ये गोली बन जाती है, बहुत ही अच्छे से चलती है, एंड जो टर्निंग रेडियस है वो इतना छोटा है कि आप एक साइकिल से इसको कंपेयर कर सकते हो। टर्निंग रेडियस की बात कर रहा हूँ, अभी आपको मैं एक बार भगा के यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखो मैं बोला आपको कितना जल्दी ये पिकअप लेती है, ये देखो तो 20 की स्पीड के बाद में इसका पिकअप बहुत अच्छा आता है, एंड टॉर्क जो है वो काफ़ी अच्छा है। टॉर्क आपको कब काम आता है, जब आप बहुत ज़्यादा इसके ऊपर सामान रख के लेके जाते हो तो आपको टॉर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, एंड इसमें आपको वाइब्रेशंस वगैरह 45 से लेकर 50 तक नहीं आते हैं। उसके बाद में मतलब 45 से लेकर 50 इसकी टॉप स्पीड है, एंड सस्पेंशन थोड़ा सा हार्ड है, मेरी आवाज़ से आपको पता चल गया होगा। 45 से लेकर 50 तक आप इसको आराम से चला सकते हो, उसके बाद में थोड़ा सा आपको अनस्टेबल ये फील कराएगी इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशंस। ETFI इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन इसमें आपको मिलता है, जो TVS की एक टेक्नोलॉजी है जो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट इनकी हर एक बाइक और स्कूटर में यूज़ होती है, एंड इंजन का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा है, मतलब 99.7 cc के इंजन से आप और क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। दिस इज़ मेड फॉर मोर टॉर्क, आपको 6.5 Nm का टॉर्क मिलता है, एंड टॉर्क आपको बहुत अच्छा इसके अंदर देखने को मिलता है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान रख के इसके ऊपर लेके जा सकते हैं। 130 किलो का पेलोड इसमें आप आराम से लेके इसको चला सकते हैं। सामने देखो भैया, नहीं नहीं आगे बंद है,
एंड इसका जो पिकअप है ना वो एकदम से क्विक नहीं रहता है, लीनियर पिकअप रहता है। 0 से 20 तक जो मैंने आपको बताया वो इनिशियल इसका आरपीएम है, मतलब लोअर आरपीएम, मिड आरपीएम पे ये अच्छा खींचती है। अभी आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं, ये देखो मिड आरपीएम पे ये बहुत अच्छा खींचती है, ऑल द वे टू 50 किलोमीटर पर आवर ये खींचती ही चली जाती है। एंड वैसे आपको बता दूँ, दिस इज नॉट फॉर रेसिंग, दिस इज नॉट टू गो क्विक। जल्दी आपको जाना है तो आप कोई बड़ी बाइक ले लीजिए, दिस इज़ नॉट फॉर यू नो रीचिंग समवेयर क्विकली, दिस इज मोर फॉर कमर्शियल पर्पज, उस चीज़ के लिए बनी होती है। भैया रोक रहे हैं मेरे को, मैं तो अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसका, वीडियो रिकॉर्ड कर, हाँ यूट्यूब पे वीडियोज बनाता हूँ मैं, हाँ अभी आप भी आ गए कैमरे में। चलो देन मेरे को निकलना पड़ेगा बिकॉज वीडियो चालू है, फिर अंधेरा हो जाएगा। थैंक यू सर। तो ये भैया पूछ रहे थे कि ये हेलमेट कैमरा को देख के मुझे पूछ रहे थे। अब बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में, तो सस्पेंशन आपको बता दूं, देखो इसका सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ है, एंड उसका रीज़न ये है कि देखो ज़्यादा सामान जब आप इस पर रखते हो या फिर दो लोग बैठ के जाते हो, तो अगर सस्पेंशन स्टिफ नहीं रहेगा तो गाड़ी अच्छे से नहीं चलेगी, कोई भी गाड़ी की बात कर रहा हूँ। तो इसका सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ होने की वजह यही है कि आप ज़्यादा अगर सामान इस पर रख के लेके जाओगे, जो आइडियली आप रख के लेके जाओगे, वो टाइम पे एकदम से मक्खन ये चलेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ज़्यादा ऐसे जो हिचकोले खाती है ना वो चीज़ आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए आप नॉर्मल अकेले चलाओगे तो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ी सी गाड़ी उछल रही है, बट इसका मतलब ये नहीं, अरे भैया उधर से जाओ ना, इसका मतलब ये नहीं कि आपको चलाने में कोई दिक्कत होगी, चलाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसको। अब बात करते हैं इसके ब्रेक्स के बारे में, तो आपको मैंने बताया कि इसमें आपको ड्रम ब्रेक मिलता है, यहाँ पे आपको मैं ब्रेक लगा के दिखा देता हूँ, पहले पीछे का ब्रेक मारेंगे तो गाड़ी इतनी दूर में रुकती है। वैसे आपको बता दूँ कि इसका ब्रेक आप एडजस्ट कर सकते हो, ये एडजस्टेबल ब्रेक लीवर नहीं है, बट यहाँ पर नॉर्मली आप एडजस्ट कर सकते हो। तो सामने का ब्रेक एक बार आपको मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ, तो सामने का ब्रेक भी काफ़ी अच्छा है, बट आप जब इसको रोकना चाहो तो प्लीज़ आराम से ब्रेक लगाइए, दोनों ब्रेक साथ में लगाइए, जो कॉम्बिनेशन है 70 एंड 30 का वो यूज़ कीजिए। हालांकि इसमें आपको सिंकिंग और सिंक ब्रेक टेक्नोलॉजी दी गई है, इसका मतलब ये है कि पीछे का आप ब्रेक लगाओगे तो थोड़ा सा सामने का ब्रेक भी अपने आप प्रेस हो जाएगा, उससे क्या है आपको अच्छी ब्रेकिंग मिल जाएगी। बट मेक श्योर कि आप देख समझ के इसको ब्रेक मारें, बिकॉज ये जो ड्रम ब्रेक है इसमें दिया गया है वो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा जितना एक ABS रहता है या फिर डिस्क ब्रेक रहता है। अब बात करते हैं इसके माइलेज के बारे में, तो माइलेज जो है आपको आराम से 60 प्लस का मिल जाना चाहिए अगर आप इसको इको मोड में चलाते हैं। वैसे आपको बता दूं कि वहां से रास्ता बंद है तो हमें यही रोड से जाना पड़ेगा, सब लोग यहीं से जा रहे हैं। तो इसमें आपको 30 से लेकर 45 तक इको मोड मिलता है, मतलब आपको फ्यूल इकोनॉमी ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आपको दिख रहा होगा, 30 से लेकर 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आप चलाओगे तो आपको ज़्यादा किलोमीटर पर लीटर माइलेज मिलेगा, बट आपको 60 किलोमीटर का माइलेज आराम से मिल जाएगा। मुझे मिला है 14-15 दिन से इसको मैं चला रहा हूँ, तो माइलेज काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पर देखने को मिला है। एंड अगर आप 30, 40 या 45 तक चलाते हैं तो आपको मेरे हिसाब से 60 प्लस ही मिल जाना चाहिए। अभी पेट्रोल के रेट्स भी आपको पता ही है कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो आजकल लोग बहुत ज़्यादा लोग लोअर सीसी की बाइक्स ही प्रेफर कर रहे हैं। एंड अगर आपका घूमने का डेली अगर 40-50 किलोमीटर घूमते हैं आप एंड थोड़ा बहुत सामान भी आप कैरी करते हैं तो ये मोटरसाइकिल आपके लिए परफेक्ट रहेगी। सीटिंग पोस्चर आप देख सकते हैं एकदम से